राजस्थान के नए सीएम अशोक गहलोत को बधाई देने में सचिन पायलट से हुई बड़ी चूक। दो दिनों की खींचतान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर राहुल गांधी ने मुहर लगा दी। अशोक गहलोत को सीएम बनाए जाने के अलावा सचिन पायलट को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते रहेंगे। वहीं सचिन पायलट ने ट्वीट कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी, लेकिन इस दौरान उनसे एक बड़ी चूक हो गई। सचिन पायलट से हुई बड़ी चूक। दरअसल सचिन पायलट ने ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद दिया था और राजस्थान के होने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई दी थी, लेकिन यहीं पर चूक हो गई। सचिन पायलट ने गलत अशोक गहलोत को ट्वीट में टैग कर दिया। अशोक गहलोत एक अन्य अशोक गहलोत को ट्वीट में किया टैग। अशोक गहलोत का ट्विटर हैंडल @ashokjala51 है, जबकि सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में 429 फॉलोवर्स वाले @ashokjala को टैग कर दिया। ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। ये यूजर जोधपुर का रहने वाला एक युवक बताया जा रहा है। गलत नाम के साथ ट्वीट करने के कुछ देर में ही ये ट्वीट तेजी से वायरल होने लगा और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी थी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। शुक्रवार को कांग्रेस के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री चुना है। अपने नाम के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कहा था कि कल जब इस कमरे में बैठे थे तो किसे मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे।